फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हायर का जो लेटेस्ट मॉडल है इनबिल्ट, जिसमें इनबिल्ट हीटर है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, ये 678 सीरीज का है। ठीक है, ये जो मॉडल है इसका मॉडल है HWM75H678N6 है। ठीक है, ये 7.5 kg का है। ये जो मॉडल है ये तीन कैपेसिटी में आता है, एक 7.5 kg, एक 8 kg और एक 9 kg में। ठीक है, इसमें सबसे जो बेहतरीन बात है इसका जो डिस्प्ले है, ये बैक पैनल डिस्प्ले है जो आसानी से कस्टमर को दिखेगा। इसमें कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर अगर सामने पैनल होता है तो उसमें पानी जाने का, मॉइस्चर जाने का चांसेस रहता है। ऐसे तो हमारा जो पीसीबी है उसमें पूरा सिलिकॉन से फिलअप कर रहता है, जैसे मतलब पूरा वाटर इंसुलेटेड है। ठीक है, तो जिससे पानी नहीं जाता है, लेकिन ये बैक पैनल होने के कारण क्या होता है कि इसमें पानी जाने का कोई भी चांसेस नहीं है और कस्टमर आसानी से हर ऑपरेशन देख सकते हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इस मॉडल में सबसे जो खास बात है इसका, इसमें इनबिल्ट हीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो इनबिल्ट हीटर है ये देखने में बटरफ्लाई सेफ है, ये 1516 वाट इसका है। ठीक है, और इसे इनकलर से बना हुआ है, उसके चलते क्या होगा, इसका यूनिफॉर्म हीटिंग होगा और 99% जम्स भी होगा और इसका 30% जो हीटिंग है वो इंक्रीज होगा। उसके साथ इसके और क्या फीचर्स है, इसमें जो है 106 तरह का दाग को वो हटा सकते हैं, अगर वो 72 आवर्स तक पुराना हो तब भी। उसके साथ साथ उसमें 15 से ज़्यादा 15+ इसमें वॉश प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक 5D पल्सेटर है। 5D पल्सेटर में क्या होता है कि इसका जो वॉश होता है, इसमें फर्स्ट एक वाटरफॉल होता है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, एक थ्रस्ट क्रिएट होता है। उसके बाद इसमें 720 इसके जो ड्राम है इसके अंदर चारों तरफ 720 होल्स दिया हुआ है, जिसके चलते चारों तरफ से अंदर में प्रेशर क्रिएट होता है। उसके बाद इसका जो पल्सेटर है, पल्सेटर के नीचे की तरफ से प्रेशर क्रिएट होता है और पल्सेटर जो है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे हम वॉश में भी देते हैं तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो उसके चलते क्या होगा, इसमें दोनों तरफ कपड़ा का मूवमेंट होता है, तो उसमें आपका मशीन का कपड़ा जो होता है वो अच्छी तरह से साफ होता है, उसके अंदर कपड़ा जो है एक के साथ दूसरा बाइंडिंग नहीं हो जाता है, वो अलग रहता है। ये हो गया आपका यूनिक फीचर। उसके साथ साथ और भी कुछ है, ये 5-स्टार रेटिंग में आएगा आपका। ठीक है, और इसमें और दो चीज़ सेफ्टी हिसाब से दिया हुआ है, अगर वाटर फ्लो कम है तो उसमें चेक वाटर का सिंबल आ जाएगा, और साथ ही साथ वोल्टेज अगर कम या ज़्यादा हो, मान लो लो वोल्टेज है, 150 से कम वोल्टेज है या 250 से ज़्यादा वोल्टेज है, तो यहाँ पे मशीन बंद हो जाएगा और यहाँ पे आपको सिग्नल दे देगा कि आपको वोल्टेज चेक करने का। तो ये हो गया इनका जो कुछ यूनिक फीचर्स है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं इसका पैनल का बात करूँ, इसका प्रोग्राम का बात करूँ, तो फर्स्ट आता है कि इसमें मैंने क्या बोला कि इसमें इनबिल्ट हीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो इन मशीन का सबसे बेहतरीन बात है। तो फर्स्ट इसमें अगर मैं डिस्प्ले में आऊँ तो फर्स्ट ये मेरा पावर बटन है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोग्राम बटन, इसमें टोटल 15 प्रोग्राम्स दिया हुआ है। उसके बाद आता है ये टेम्परेचर बटन, जिससे हम पानी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है DIY, जिससे हम प्रोग्राम का टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से प्रोसेस बटन से हम वाटर लेवल, वॉश टाइम, रिंस टाइम, स्पिन टाइम या डिले टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये है मशीन स्टार्ट करने के लिए। तो फर्स्ट जो है, अगर मशीन को ऑन करना है तो इसे पावर ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम जो है, फर्स्ट है नॉर्मल, जो रेगुलर जो नॉर्मल कपड़ा है उसके लिए। अगर मेरे को सिर्फ 60 वॉश करना है तो उसके लिए ये 60 प्रोग्राम है। उसके बाद मशीन कस्टमर को खाली स्पिन करना है और कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से स्पिन सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से वो स्पिन का जो टाइम है यहाँ से सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्पिन का टाइम को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डेलिकेट, जो हमारा कॉस्टली कपड़ा होता है, डेलिकेट कपड़ा होता है, उसके लिए डेलिकेट प्रोग्राम है। उसके बाद एक क्विक वॉश, जिसमें जो कम गीला, कम कपड़ा, सॉयल वाला कपड़ा हो, जैसे मैंने रात में पहना, सुबह हमको वॉश करना है और 4-5 कपड़ा ही देना है, उससे ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है। उसके बाद आता है PA से लेके PU, यहाँ पे टोटल 10 प्रोग्राम है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे फर्स्ट मेरा आ गया P1, उसके बाद आता है P2, उसके बाद P3, उसके बाद P4, ऐसे करते हुए मेरा PA तक जाएगा। टोटल यहाँ पे 10 प्रोग्राम है। ठीक है, तो P1 है बेसिकली हैवी कपड़ा के लिए प्रोग्राम है, जो भारी कपड़ा होता है उसके लिए, यह है P1 प्रोग्राम। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स कपड़ा के लिए, वो है आपका P2, जिसमें मेरा जो पॉलिएस्टर टाइप का आता है, हमारा जर्सी, ट्रैक सूट वगैरह, वो क्लीन करने के लिए। उसके बाद आता है आपका P3, जो इको होता है। इको मोड में क्या होगा,
कपड़ा को कस्टमर को अगर पैसा बचाना है, पानी का खर्चा बचाना है, तो उसके लिए कस्टमर इको मोड यूज़ कर सकते हैं। उस पर कस्टमर को थोड़ा कम सॉयल वाला कपड़ा और कम क्वांटिटी में कपड़ा देना चाहिए। उसके बाद आता है आपका P4। P4 में सिल्क टाइप कपड़ा के लिए है। P5 जो है आपका सोक, मतलब इसमें जो कपड़ा हमारा भारी कपड़ा होता है जिसमें सॉयल ज़्यादा हो, तो उस सॉयल को निकालने के लिए, उसके अंदर जो डस्ट वगैरह है उसको लूज़ करने के लिए ये कस्टमर इसमें सोक में दे सकते हैं, ठीक है, वो कपड़ा अच्छा क्लीन होगा। उसके बाद आता है P6 जो सैनिटाइज, बेसिकली जो मेडिकेटेड कपड़ा है, पेशेंट का कपड़ा है जिसमें बैक्टीरिया होने का चांसेस है, वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए है आपका P6, जिसमें एलर्जिन है, मतलब हीटर जो है इनबिल्ट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब सॉरी बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, मतलब एलर्जिन सिलेक्ट सैनिटाइज सिलेक्ट करने से आपका हीटर ऑटोमेटिक इसमें सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन कस्टमर चाहते हैं अगर चाहेगा तो हीटर को ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका P7 जो आपका बेबी केयर बच्चा का कपड़ा होता है, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद आता है P7 के बाद आता है P8 या सिंथेटिक कपड़ा के लिए। P9 जो है उसमें रिंस और स्पिन है, मतलब खाली कस्टमर को वॉश नहीं करना है कपड़ा को, खाली रिंस और स्पिन करना है, जो कपड़ा मान लीजिए धुआ हुआ कपड़ा रखा हुआ था उसको वॉश करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका PA एयर ड्राई, इसमें क्या होगा, खाली स्पिन होगा, अगर कस्टमर को गीला कपड़ा को सूखा करना है तो उसके लिए है आपका PA, ये भी आपका 1 घंटा का प्रोग्राम है, और 1 घंटा में क्या होगा, खाली मशीन जो है खाली स्पिन करेगा। अभी कोई प्रोग्राम हीटर जो है, इसका जो मेन फीचर्स है हीटर जो है, उसके लिए आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि हीटर मेरा कैसे काम करे। फर्स्ट तो हीटर जो है 4 प्रोग्राम में काम करेगा, P1 हेवी, P2 स्पोर्ट्स, P6 सैनिटाइज एंड P7 जो बेबी केयर है, ये चारों प्रोग्राम में मेरा हीटर काम करेगा। दूसरा क्या है कि हीटर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक है वार्म, एक हॉट और एक एलर्जन फ्री। एलर्जन फ्री जो है वो खाली सैनिटाइज प्रोग्राम में काम करेगा, बाकी किसी प्रोग्राम में काम नहीं करेगा। बाकी जो वार्म एंड हॉट है, ये P1 P2 एंड P7 ये तीनों प्रोग्राम में मेरा हॉट एंड वार्म प्रोग्राम काम करेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, अगर मेरे को पानी को वार्म करना है, ठीक है, वार्म में पानी जो है वो 35 डिग्री हॉट होगा, गर्म होगा, और उसमें मेरे को पानी का लेवल जो है वो मेरे को अप टू 6 तक रख सकते हैं, उससे ऊपर लेंगे तो मेरा हीटर काम नहीं करेगा। और हॉट मोड में मेरा पानी 45 डिग्री गर्म होगा, जिसमें मेरा पानी का जो लेवल है वो 1 से लेकर 5 के बीच में होना चाहिए। अगर पानी लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा हॉट मोड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखता हूँ कि हीटर कैसे ऑन करना है, तो यहाँ से मैंने फर्स्ट मान लीजिए मैंने P1 प्रोग्राम सेलेक्ट किया, उसके बाद मेरे को हीटर को ऑन करना है, तो हीटर यहाँ पे देख रहा हूँ कि खाली वार्म ही ऑन हो रहा है, हॉट ऑन नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि मेरा प्रोसेस से जाके वाटर लेवल कितना है, वाटर लेवल 6 है, तो उसके लिए मेरे को वाटर लेवल को घटा देना है, 5 कर दिए। अभी जो टेम्परेचर है वो वार्म एंड हॉट दोनों में सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हीटर जो है खाली जो P6 सैनिटाइज है उसमें बाय डिफॉल्ट है, बाकी किसी में डिफॉल्ट नहीं है। P1 P2 एंड P7 जो है इसमें मेरे को हीटर को सिलेक्ट करना है, उसके लिए मेरे को देखना भी है कि वार्म के लिए पानी का लेवल 1 से लेकर 6 के बीच में होना चाहिए, और हॉट के लिए पानी का लेवल 1 से लेकर 5 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद वाटर लेवल के बाद आता है वॉश टाइम। अगर मेरे को वॉश टाइम किसी भी प्रोग्राम के साथ बाय डिफॉल्ट उसका एक वॉश टाइम दिया होता है, अगर मेरे को उसको कुछ चेंज करना है, जैसे यहाँ से मैं वाटर लेवल चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मेरे को अपना वाटर लेवल 1 से लेकर 10 के बीच में सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 70 लीटर है। वॉश टाइम को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे वॉश टाइम मैं चेंज करूँगा तो टोटल जो प्रोग्राम टाइम है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को रिंस बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है, अगर डिटर्जेंट मैंने ज़्यादा डाल दिया तो उस केस में मैं रिंस जो टाइम है वो उसके यहाँ से फिर बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, या मेरे को रिंस नहीं चाहिए तो मैं रिंस को 0 भी कर सकता हूँ। सेम उसी हिसाब से स्पिन का जो टाइम है यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, या अगर मेरे को स्पिन नहीं चाहिए तो 0 भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मेरे को डिले टाइम सेट करना है। ये जो डिले टाइम है, अगर मैं बाद में वॉश करना चाहता हूँ तो ये जो डिले टाइम यहाँ पे आएगा वो डिले टाइम आपका टोटल वॉश टाइम लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1 घंटा से लेके 24 घंटा इसमें सेट कर सकता हूँ। तो डिले टाइम देने के बाद मेरे को स्टार्ट कर देना है, इसका मतलब 10 घंटे में मेरा टोटल प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ से मैं प्रोग्राम सेट करूँगा, टेम्परेचर बटन से मेरे को टेम्परेचर सिलेक्ट करना है,
DOI से मेरे को वॉश टाइम, वाटर लेवल, रिंस टाइम, ये सब मेरे को बढ़ाना है या घटाना है, और प्रोसेस से मेरे को क्या चीज़ को बढ़ाना है घटाना है, जैसे वॉश टाइम, रिंस टाइम, उसको मेरे को पहले सिलेक्ट कर देना, फिर यहाँ से इसको चेंज करना है, उसके बाद मेरे को स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें जो है फजी लॉजिक है, तो कोई भी प्रोग्राम, मान लीजिए घर में कोई एजेड आदमी हो, वो बोलेगा कि मेरे को तो इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे 15 प्रोग्राम दिया हुआ है, हर प्रोग्राम के साथ एक डिफॉल्ट फंक्शन दिया है उसका बेस्ट क्वालिटी रिलेटेड, ठीक है, ताकि उसका बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो निकाल दे। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ से मशीन को स्टार्ट पावर ऑन करना है, प्रोग्राम अगर नॉर्मल या कोई भी मैं प्रोग्राम सिलेक्ट करूँ और डायरेक्ट मैं इसे स्टार्ट कर दूँगा, तो मेरा मशीन जो है वो चालू हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। लेकिन बाकी ये जो है मेरा हीटर जो है या प्रोसेस से जो वाटर लेवल, जींस टाइम, वॉश टाइम, ये मेरा एडिशनल फीचर्स है, कस्टमर अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका लॉन्ड्री के हिसाब से इसको कस्टमर बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेमो। उसके साथ साथ इसमें और एक फीचर्स दिया हुआ है कि चाइल्ड लॉक का, चाइल्ड लॉक जो करना है कस्टमर को, मशीन को पहले स्टार्ट करना है उसके बाद ही चाइल्ड लॉक को करना है, ठीक है। तो प्रोसेस और DIO बटन 100 दबाने से ये चाइल्ड लॉक आ जाएगा, चाइल्ड लॉक का सिंबल आ जाएगा। अभी क्या होगा, अभी कोई बटन इसका काम नहीं करेगा, लेकिन ये कस्टमर को एडुकेट करना है कि बिफोर प्रोग्राम एंड, मतलब प्रोग्राम खत्म होने से पहले फिर दोबारा चाइल्ड लॉक को हटा देना है, नहीं तो अगला टाइम क्या होगा, दोबारा जब कस्टमर मशीन को पावर ऑन करेगा तो उस टाइम चाइल्ड लॉक वहाँ पे रह जाएगा और कोई बटन काम नहीं करेगा। तो बिफोर प्रोग्राम खत्म होने से पहले इसको हटा देना, तो चाइल्ड लॉक हट गया तो अभी मेरा बटन काम करेगा। दूसरा इस चीज़, इसमें एक टब क्लीन फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका टब जो है वो क्लीन करने का, जो मेरा इनसाइड में जो टब रहता है, इसका आउटसाइड में क्या होता है कि वो स्टेन्स वगैरह जमा हो जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको यहाँ से टब क्लीन फीचर्स उसके लिए दिया हुआ है। टब क्लीन फीचर्स के लिए आपको टेम्परेचर और प्रोग्राम दोनों को साथ में प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे CH लिखा जाएगा, ये टोटल 12 घंटा का प्रोग्राम है जिसमें मशीन शॉक में रहेगा और इन बिटवीन वो स्पिन करेगा, ठीक है। अगर कस्टमर चाहता है तो इनका बीच में भी पहले से इसको हटा सकते हैं, पावर ऑफ करने से भी ये हट जाएगा या डायरेक्ट दोबारा इसको प्रेस करने से भी वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका फीचर्स। इसके साथ साथ आपका और कुछ जो चीज़ें हैं, एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो हीटर मोड है, कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है कि इसमें हीटर आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, नया मशीन में ये मिल सकता है या आप जब PCB चेंज करोगे नहीं मिल सकते, तो उसके लिए आपको देखना है कि इसका मॉडल सिलेक्शन बराबर है कि नहीं है। हमारा जितना मॉडल, मतलब हीटर मॉडल है, सब में मॉडल सिलेक्शन में 21 होना चाहिए। तो मॉडल सिलेक्शन के लिए मेरे को स्टार्ट पॉज बटन दोनों को प्रेस करके रखना है, स्टार्ट पॉज और जो प्रोसेस बटन है दोनों को प्रेस करके रखना है, पावर को ऑन करना है। तो वहाँ पे B1 और एक नंबर आएगा 21, हर मॉडल के लिए 21 होना चाहिए। अगर 21 की जगह वो दूसरा नंबर होगा तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। तो स्टार्ट बटन से फिर उसको सिलेक्ट कर देना है। तो अभी क्या करना है, अभी फिर मैं अगर हीटर को चलाना चाहता हूँ तो हीटर मेरा काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें गलत मॉडल सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, दोबारा मॉडल सिलेक्शन प्रॉपर करना है, 21 करना है और स्टार्ट पर उसको प्रेस कर देना। तो अभी 21 सेट हो गया, अभी मैं दोबारा देखता हूँ, अभी हीटर मेरा काम कर रहा है, ठीक है, वार्म कर रहा है, हॉट क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा वाटर लेवल जो है 6 पे है, तो वाटर लेवल को मेरे को घटाना पड़ेगा। अभी ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ और एक चीज़ है, जो हमारा टेस्ट मोड एक होता है, टेस्ट मोड के लिए आपको DIO और प्रोग्राम दोनों को साथ में प्रेस करके पावर को ऑन करना है। जिससे फर्स्ट C1 आएगा, सारा डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, उसके बाद आपको C2 करना है। C2 में मशीन का स्प्रे जो मॉडल कोड है वो दिखा देगा, उसके साथ साथ मशीन बिना पानी का वॉश कर देगा, ठीक है। और उसमें लीड स्विच जो है, लीड स्विच आपका बाईपास हो जाएगा, लीड स्विच इस टाइम काम नहीं करेगा। अगर आपको स्पिन चेक करना है तो मतलब अभी बिना पानी का ही वॉश कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्पिन चेक करना है तो इसको फिर एक बार दबाना है, तो ये C3 में आ जाएगा, मशीन क्या करेगा, आपका स्पिन करेगा। लेकिन इस कंडीशन में आपका जो लीड स्विच है वो बाईपास नहीं होगा, वो इसमें आपका लीड स्विच का एरर आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो दिस इज अ यूनिक मशीन, ये हर कस्टमर का हर मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, ठीक है।
और इसी सबको ध्यान में रखना है कि हमेशा कस्टमर को इसने और चीज़, जो पहले मैंने बताया कि पानी का लेवल अगर वाटर लेवल, ये NJP मॉडल है ठीक है, जैसे ये फजी फीचर्स है मैंने बताया कि हर प्रोग्राम के साथ साथ इसका यूनिक प्रोग्राम सारा इनबिल्ट दिया हुआ है, उसके साथ साथ ये NJP टेक्नोलॉजी है, मतलब नियर जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी है, जिसमें पानी का जो प्रेशर है वो नियर जीरो प्रेशर में चलेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो प्रेशर में भी चलेगा ठीक है। उसके साथ साथ ये ऑटो रिस्टार्ट है, अगर बिजली चला जाएगा फिर जब पावर आएगा तो ऑटोमेटिक वो रिस्टार्ट ले देगा ठीक है। ये इनका जो यूनिक कुछ फीचर्स हैं। उसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि इसका जो हमारा इनलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व के पीछे जो फिल्टर होता है, ये कस्टमर को बोलना है कि बीच बीच में खोल के क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए ठीक है। तो इसके अंदर एक फिल्टर दिया रहता है, ये कभी कभी ब्लॉक हो जाता है तो उसको खोल के क्लीन कर लेना है, नहीं तो उसके चलते ही पानी का प्रेशर घट जाएगा ठीक है। अगर पानी का प्रेशर कभी घट गया तो इसको खोल के एक बार देख लेना है कि ये ब्लॉक है कि नहीं, उस हिसाब से उसको क्लीन करना है। उसके साथ साथ इसके अंदर दो हमारा मैजिक फिल्टर दिया हुआ है बड़ा बड़ा ठीक है, तो इसको ऐसे जस्ट खोलना है और इसको ऐसे खोल के इसको साफ कर लेना है आफ्टर 2-3 वॉश, नहीं तो क्या होगा इसके अंदर लिंट से भर जाएगा, तो क्या होगा फिर ये लिंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और सारा लिंट आपका दोबारा कपड़ा में आ जाएगा और उस हिसाब से कस्टमर अनसेटिस्फाइड होंगे कि कपड़ा जो है प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है। तो दोनों तरफ ने दो ऐसा फिल्टर दिया हो इसको क्लीन करना, और ये सॉफ्ट फॉल टेक्नोलॉजी है, तो इसको कभी भी मतलब प्रेशर से बाय प्रेशर से इसको नहीं बैठाना है, इसको अपने मर्जी से बैठा देना है, नहीं तो इसका हाइड्रोलिक टूट जाएगा और ये डोर आपका खराब हो जाएगा ठीक है। तो ये इनका बेसिक फीचर्स हैं, कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं जो हर कस्टमर का हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा ठीक है। ओके।